इस सतारा तरह के तेल पाए गए जी, अलग अलग तेल का अलग अलग काम आ। सर जे प्योर आयुर्वेदिक आ, आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो बहुत फायदा है, मेरे घरदों को भी फायदा, अभी तो पाने सारे परिवार इन्हों का, न्याणे बच्चों के भी पाना, तुन्नी के बच्चे भी सारे। एक कुड़ी सी साढ़े को लगभग जी 2019 तो मेडिसिन लै रही थी माइग्रेन के सर्वाइकल की, तो वो पेट की प्रॉब्लम इन्नी सी कि वो मेंटली अपसैट हो चुकी थी दवाइया खा खा के। आपां उन्हों घट्टो घट्ट 15 दिन में ही उन्होंने ठीक किया तेल पाते। मैनू मेरा सिर दर्द रहिंदा सीगा ज़्यादा, मतलब मैनू सर्वाइकल भी सीगा। साढ़े कोल शुगर का रिजल्ट हैगा जी, माइग्रेन का रिजल्ट हैगा जी, गोड्यां दी प्रॉब्लम हैगी है, लीवर दी प्रॉब्लम हैगी है, इत्थों तक कि जिते लोग सोचते सीगे ना कि मैरिज तो बाद साडे बच्चा ही नहीं हो रहा, उत्थे भी जाके इन्हें काम किया। शुगर सीगी 500 ते 400 ते पहुँच गई सीगी, ते मैं टेस्ट कराया आ, फिर मैनू किसी ने दवाई दी भुन्नी च पाण वाली, वो मेरा कोर्स चलता है, मैं 15 दिन के फर्क पैन लग पे। साड़ी दवाई हैगी है, ये सैलों से वर्क करती है, डेड सैल नू जीवंदा करती है। असी पेशेंट तो इत्थे कोई चार्जस नहीं लेंदे, कोई पैसा नहीं लेंदे, असी वाले नू कहने कि इत्थे आके तुसी साडे को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई पाओ। जिहड़े नंबर चलते उहदे ते संपर्क करके साडे तो मंगवा सकदा आ। मनुखा जीवन दे विच सानू बहुत सारिया जिहड़ियां दुख तकलीफां ते बीमारियां दा जिहड़ा सामना करना पैंदा है, उन्हां बीमारियों तो निजात पाण वास्ते बहुत सारिया विधियां जिहड़ियां हन, चाहे वह आयुर्वैदिक ने चाहे वह एलोपैथी ने। तो इस तरह असी देखिए अज असी पहुँचे हुए हैं जिला शहीद भगत सिंह दे नवां शहर, शहर के बिल्कुल नाल लगते सजावलपुर पिंड, जिथे कि एक धुन्नी दे विच तेल पा के बहुत सारिया जिहड़ियां बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस क्लीनिक ते पहुँचे हाँ, बहुत सारिया बीमारियां जिस तरह इसे दसिया भी हुई, शूगर, थायरॉयड, ब्लड प्रैशर, अखा की बीमारी, हत्थां पैरां दा कमना, सर्वाइकल, अद्धे सिर दा दर्द, औरतां मर्दां दे गुप्त रोग, चमड़ी रोग, बवासीर, बालां दा झड़ना, गोड्यां दा दर्द, दंदां दीआं बीमारियां समेत अनेक बीमारियों का इलाज जिहड़ा है आयुर्वैद तरीके अते पुरानी विधि राही किया जाता है। आओ इत्थे पहुँच के डॉक्टर साहब नाल गल करदे आ, किस तरह इलाज करदे आ, किस तरह बीमारियों तो निजात पा सकदे आ, और लोग किस तरह पहुँच के राहत जिहड़ी आ लै सकदे ने। आओ गल करदे आ अंदर जाके डॉक्टर साहब दे नाल। डॉक्टर साहब जिस तरह तुसीं बार भी तुहाडे क्लीनिक का नाम तो बीमारियों बारे लिखा होया है, जिहड़ी तुहाडी विधि किस तरह हैगी है, तो किस तरह लोगों नूं जिहड़ी राहत मिलदी है? सत श्री अकाल जी। जिहड़े धुन्नी दे तेल दी आपां गल करदे आ, जिहड़ी तुसीं गल करदे उहदे च जिहड़े परंपरा तो ही सदियां तो ही चले आ रहा, क्योंकि जिहड़ा साडा तेल आ इह ऋषियां मुनियां दे टाइम तो ही चले जा रहा, क्योंकि जिद्दां भी आपां जिहड़ा तेल पहलां जदों लोक जिहदे भी अपने सियाणे बजुर्ग जिहदे दादे पड़दादे भी जिहड़े सरों दा तेल यूज़ करदे सी, क्योंकि नहाउण तों बाद जिहड़ा धुन्नी च तेल लांदे सी तां नक्क च लांदे सी, उहदा जिहड़ा आ उह जिहड़े कोई भी प्रॉब्लम जिद्दां हुंदियां सीगियां उह साडी स्किन दी प्रॉब्लम हो गई जां बुल जिहड़े साडे फट जांदे सी लगभग उत्ते बहुत जल्दी कम करता सी, हौली हौली उहदी विधि के मुताबिक ही चलते चलते जिवें हुण पता लगा भी जिहड़े तेल आ जिहड़े किस तरह कम करते आ, उहनां तेलां ते ही हौली 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 सर्च होनी शुरू हो गई। जिवें कि इस ते जिहड़ी साडी ब्लिस ऑयल कैप्सूल सॉरी तेल आ उहदे विच जिहड़ा इह पाया गया इनग्रीडियंट्स जिहड़े 17 तरह के तेल आ, हौली हौली उही विधि के हिसाब नाल चलिया गया कि किहड़ा तेल कित्थे कम कर सकदा, उस तेल नूं लै के ही इहदा जिहड़ा उह आपां जिहड़ा इहदा लै के चले आ वी जिहड़ा धुन्नी च पा के जिहड़ा तेल आ बहुत वधिया कम करदा। ते डॉक्टर साहिब किहड़े किहड़े तेल ने ते उह की की कम करदे, किहड़ियां किहड़ियां बीमारियां तों किस तरह राहत मिल सकदी? इच 17 तरह के तेल पाए गए जी, अलग अलग तेल का अलग अलग काम आ, जिवें कि आपां लौंग दा तेल लै के चलते हाँ उहदा अलग काम आ, जिहड़े इच तेलां दा तेल पाया गया उहदा अलग काम आ, हर बॉडी ते हर तेल दा काम अलग अलग आ। इस करके जिहड़ी बीमारियां आ साडे पास शूगर लैके चलते हैं, बवासीर लैके चलते हैं, थायरॉयड आ, माइग्रेन आ, होर जिन्ने भी गोड्यां दे दर्द आ, जिन्नियां भी मतलब पेट दीआं साडीआं बीमारियां उहनां ते प्रॉपरली कम करदा है। ते जे डॉक्टर साहब देखिए बीमारियां दी गल करे, उस तों इलावा तेल पाण दी की विधि हैगी आ, खुद भी लोग पा सकदे जां तुहाडे कोलों आ के पाउणा पवेगा, जां होर उहदे लई की परहेज़ तां की ध्यान रखणा पवेगा? तेल जिहड़ा है उह साडे कोल वी पवा सकदे पेशेंट आके इत्थे,
अगर अपने घर लिया के पाना चाहते वो घर भी ही पा सकते हैं लिया के विधि कुछ भी नहीं जिहड़ा पेशेंट आ वो तेल जिहड़ा तीन दो तो तीन ड्रॉप जिहड़ा अपनी धुनी च डेली आप भी पा सकता किसी तो भी पा सकता ये डेली ही पाना पवेगा जां सवेरे शाम जां तीन टाइम जां किदां होवे नहीं असीं इहनूं दो टाइम पा सकते हैं दो बूंदा सवेरे दो बूंदा शाम नूं पर समा जिहड़ा है वो 35 to 40 मिनट का जिहड़ा है वो समा चाहीदा देखण जांदा डॉक्टर साहब भी सानूं बहुत सारियां बीमारियां अजकल घेरिया होया क्यों हवा पानी जिहड़ा पोल्यूशन हो चुका ये किहड़ियां किहड़ियां बीमारियां तो राहत सानूं दे सकदा है और किन्ना क जिहड़ी राहत मिल सकदी है देखो आप लैके चलते हैं जी जे एलोपैथी की गल करिए एलोपैथी जी दवाई आप जो खाने वो एक बीमारी के नाल अनेक ही बीमारियां जड़िया हो जाए इस करके जो आयुर्वेदिक का यह एक प्रॉपरता जी एक गुण आड़ा गुण आ जोड़ा वो ये पाया गया कि जी आयुर्वेदिक प्रॉपरली ठीक करती है जिड़े असी लैके चलते हैं की प्रॉब्लम आ जिदा भी सारिया प्रॉब्लम लैके चलते आयुर्वेदिक प्रॉपरली चैनल के तौर पर चलता है सारा करता ठीक है जिस तरह डॉक्टर साहब तुम गल दसी बहुत सारे बीमारियां इस तरह के बहुत सारे तेल या होर भी दवाइया है थोड़ी क्या डिफरेंट क्या है तेल के खासियत क्या हैगी जो बाकियों के नहीं है लोग जिहड़ियां एक्चुअली जिहड़े आ गोलियां ज कैप्सूल ज कोई भी खा खा के अक चुके आ वो एक नवी विधि चाहते आ नवी विधि अगला कहता यार मेरे धुन च तेल पाया गया मैं ठीक है क्योंकि एक योजा यह कहते गुणवर्ती चीज़ आ भी जी एक धुनी जे नाभी जो बॉडी का एक मेन पार्ट आ धुनी उस तेल पाना ही लोग ठीक होंगे अगले कहते सू वधिया है तो डॉक्टर साहब देखिए तो जिस तरह सिर्फ इनू एक्सटर्नल सिर्फ धुनी च पाया जा सकता या होर विधि राही भी वरत्या जा सकता नहीं सर इनू धुनी च पा के ही वरत्या जा सकता जोड़ा धुनी च जो आप पाने धुनी के जिदे साढ़े नाड़ू आया जिमें कि जिदा पहला जो माता जी अपन मातावान जो गर्भवती होंगी सी जो बच्चा से बच्चे नाभी राही ही सारा कुछ जोड़ा वो खुराक मिलती सी इसी करके जितनिया भी जड़िया प्रॉब्लम साड़िया आ उन्होंने असी नाभी के तेल पालन पाते ही साड़िया जी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए फिर सानू लोड़े नहीं पैंदी किसी चीज़ की खाण की तो यदा कोई साइड इफेक्ट तो नहीं जिदा आम तौर पर दवाइया या तेलों का होंगे है जी सर जे प्योर आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं ठीक है इनू जो मर्जी कोई यूज़ कर सकता कोई भी यदा रीएक्शन नहीं है तो ये कदों को तो डॉक्टर साहब तुम वरत रहे हैं कि आउटपुट हूँ तक मरीजों को कि राहत मिल चुकी है असं इनू काफ़ी लंबे समय तो वरत रहे हैं काफ़ी जोड़े पेशेंट ठीक हो गए आ कुछ वीडियो भी आप शो कर सकते हैं कि जोड़े साढ़े को पेशेंट ठीक हो गए और उन्होंने इन भी हालात जोड़े माड़े से एक कुड़ी सी साढ़े को लगभग जी 2019 तो मेडिसन लै रही माइग्रेन तो सर्वाइकल की तो वो पेट की प्रॉब्लम इन्नी सी कि वह मैंटली अपसैट हो चुकी सी दवाइया खा खा के आपां घट्टो घट 15 दिन भी उन्होंने ठीक किया तेल पाते इस टाइम प्रॉपरली जोड़ा है 70 to 80% प्रॉपरली कुड़ी ठीक है वाहेगुरु जी का खालसा जी वाहेगुरु जी की फतेह मैं चौधरी हरबंस सिंह जी पिंड पहली रहने वाला हाँ मैं दवाइया बहुत खा चुका सगा क्योंकि दर्दा दुर्दा कई जगह मेरे शरीर दर्दा होनिया थी इस करके मैं फिर एक दवाई ली है जी धुंदी च पाने वाली धुंदी च पाने वाली दवाई ली है क्योंकि दवाइया होर मैं बहुत खाधिया लिया टीके भी लवाते थे लेकिन फायदा कोई नहीं होया इस करके फिर मैं धुंदी च पाने वाली मैं पता लग्या फिर धुंदी च पाने वाली दवाई एक बहुत वधिया है मैनू तो बहुत फायदा है मेरे घरदियां नू भी फायदा अभी तो पाने सारे परिवार इन्हां दा न्याणे बच्चों के भी पाना धुंदी के भी सारे जे तो मुड़ के उन्होंने बच्चों को बिना कोई गलबात इदा नहीं हो लेकिन सानू तो मेरे घरदियां तो मैनू तो बहुत फर्क है जी तो मैं तो इस करके कहना है सारिआं नू जिहड़े आपां इधर उधर दवाइया लैंदे हैं दर्दां तो एक बार धुंदी वाली जिहड़ी धुंदी दवा पाने हैं एक बार वो पा के देखो सवेरे और शाम यदा कोई परहेज भी होंगे सवेरे और शाम पाओ रोज़ जरा पर लम्बे पाओ फिर थोनों बाद अपने आप पता लगेगा भी कितना फायदा होया मैंने तो भी बहुत फायदा होया इस करके मैं तो सारे बेनती करता हाँ कि सारे उन्नी च पाने वाली दवाई पाओ सारे फायदा हो होर पैसे खर्चन तो थानू बड़ा फर्क पैना है इस करके इन बेनतियाँ कहता हुआ वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह मैं शुगर सी 500 to 400 तक पहुँच गई सी फिर मैं टेस्ट कराया हाँ फिर मैं किसी ने दवाई दी धुनी च पाने वाली वो मेरा कोर्स चलता है मैं 15 दिनों के फर्क पैन लग पाया हूँ मैं 1.5 महीना हो गया खा पाती हूँ धुनी च दवाई वो मैं बहुत फर्क आ मैं रोटी भी खानी सब कुछ काम कार करती हाँ
ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਦਵਾਈ ਬੈਠ ਗਈ। 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਕੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਲੋਪੈਥੀ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਧੁੰਨੀ ਰਾਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 72 ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਧੁੰਨੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਬਵਾਸੀਰ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 400-500 ਸ਼ੂਗਰ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ, ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ 2 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਇਲ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਖਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਈਏ। ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਭੀ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਅੰਗ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 72,000 ਨਾੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਪੇਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇਟ ਨਰਮ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਸਾਡਾ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾੜਾਂ ਨਰਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਪਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੈਸੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਪਏ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਗਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰਕੇ 1-2 ਉਂਗਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਜਿੱਥੇ 500 ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ 250-250 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ 25 ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੜੇ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਦਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈ ਆ, ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 70-80% ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵਰਤਣ ਆਇਆ, ਵਰਤਣ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀ ਰੱਖਣੇ ਪਊਗੇ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਐਲੋਪੈਥੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸਰ ਕਰਨਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ 1-2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੈੱਡ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਸੈੱਲ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਡੈੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7-10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕੋ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਖੱਟੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ,
जिहड़ा मरीज है उन्हें अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए फिर तो उन्होंने अपनी जी इन चीज़ों तो परहेज करना फिर जो मर्जी खाई जाओ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन साढ़े नाल रामलाल जी जिन्होंने दस्या भी किस तरह ये ब्लैस ऑयल कम की करता, इन्होंने रिजल्टां दी गल की भी मरीज़ जिहड़े दवाइया खा खा के अक चुके सन उन्होंने इस जिहड़े तेल तो धुनी विच पाण नाल कितनी कु राहत मिली है, किस तरह के जिहड़े रिजल्ट आए हैं, तो इस तरह असीं देख लैंदे हां। एक मरीज़ भी साढ़े नाल इत्थे मौजूद है, नाम ना कुलविंदर सिंह है जी। ये सब ये तेल की जिहड़ी वरतों कदों तो कर रहे हैं, कितनी कु राहत मिली तुहानू? मैनूं राहत काफ़ी ना मिली है, ना 15 दिन हो गया ना पाउंदे नूं, जानी कि ठीक है। की थोनों समस्या की सी, कितनी की राहत किस तरह मिली? जानी कि पेट जिदा खराब ना रहिंदा सीगा, जिदा खंघ सीगी, ते उहनूं हुण मैनूं ना रह थोड़ी जिही रहत वा। हाँ जी, मेरा नाम मनदीप कौर है, मैं जैनपुर तो हाँ। मेरा सिर दर्द रहिंदा सीगा ज़्यादा, मतलब मैनूं सर्वाइकल भी सीगा। मेरा ये वाला तेल पाउण नाल मैनूं काफ़ी फर्क है। पहला मैं इत्थे पिंड सजावलपुर तो मतलब पाया 6-7 दिन, फिर हौली हौली मैं घर जाके पाने लग पी ये तेल, मैं वरती है मेरे नाल हुण ठीक हाँ। मैं यही सलाह देना चाहनी हाँ भी तुसी भी वरत के तुसी भी अपनी बीमारी ठीक कर सकते हो। जिस तरह तुसी यूज़ कर रहे हैं मरीज़ के उत्ते किदा लगता फिर रिजल्ट, किन्ने मरीज़ थोड़े को डेली आ जाते हैं, तो किन्नी जी दवाई की तुसी जी सर्विस कर रहे हैं और किदा कर रहे हैं? सर साडे को डेली दे 25-30 मरीज़ इदा दे आ कि जेडे डेली आके पाते हैं सवेरे और शाम। असी सर एक इत्थे इदा का उपराला रख्या आ कि असी पेशेंट तो इत्थे कोई चार्जस नहीं लेंदे, कोई पैसा नहीं लेंदे। असी अगले नूं कहिंदे आ कि इत्थे आके तुसी साडे को फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई पाओ। और साडे को कई पेशेंट इदा दे आ जो ब्लिस ऑयल पवा के फ्री दे विच ठीक हो गए। उन्होंने एक पैसा तक नहीं सर उन्होंने खर्च हो गया। सब तो वड्डी गल मेन ये कि जो किसी पेशेंट का 1 रुपया नहीं खर्च होंदा, उन्होंने बिना पैसे खर्चे वो ठीक होंदा आ, तो बहुत वड्डी गल है सर। इस तो जो ये तेल पाने ये कोई खास विधि है पाण की, जिदा आम तौर पर होंगे भी लगती होंगी कोई भी दवाई या तेल असी लाने यदा जो आउटपुट की है वरतन का तरीका की? सर यदी विधि हैगी है, जो आप बंदे नूं सीधा लटा देना पेशेंट नूं जिस तरह लटाए हुए ने जी, ये धुनी के विच 2-3 ड्रॉप आने आ। उस तो बाद सर सराहने का प्रयोग नहीं करना, आप सीधा ही लटा देना है पेशेंट नूं, 40-45 मिनट का समा आ। ठीक है सर, वह पेशेंट आ जिन्हों मतलब कई पेशेंट इदा दे जिन्हें कहें सानू लाल गोली खा के घबराहट होंगी, सानू चिट्टी गोली तो रिएक्शन होंगी आ। सर वो इदा की दवाई है वाली, ना ये थानू घबराहट होनी, ना ये रिएक्शन होनी, मतलब साइड इफेक्ट कोई नहीं है, 100% रिजल्ट आयुर्वेदिक प्योर। ये जिस तरह तुसी पाने ये एक्सपर्ट होना जरूरी है, जो हर बंदा अपने घर मंगा के भी थोड़े जो लिजा के खुद भी पा सकता उन्होंने पाने का तरीका? सर ये कोई एक्सपर्ट वाली गल नहीं है, बंदा आप भी पा सकता इनू पाण लगा, खोले इनू इस तरह, खोलन तो बाद इनू तरीके ना अपना ऑयल उहदे विच धुनी दे विच पा के ड्रॉपर दे विच सारा कुछ हैगा आ पाण नाल। ते जिस तरह तुसी सारी जानकारी दित्ती साडे को आके पवा सकदा, खुद भी पवा सकदा, इह जे दवाई लैणी तां उह किस तरह हुण दुनिया, क्योंकि तुसी इत्थे नवां शहर इह अपना तुहाडा सेंटर हैगा, जे तुहाडे तों मंगाणी होवे दवाई की कोरियर राहीं भी मंगा सकदे जां होर किस विधि नाल किस तरह मंगा सकदे तुहाडे तों? सर साडा मेन जिहड़ा हैड ऑफिस आ साडा यह हैगा सर पिंड सजावलपुर जिला शहीद भगत सिंह नगर पोस्ट ऑफिस लंगड़ोआ पंजाब। ते जे किसी ने वीर भैन नूं जे कोरियल दा मंगवाना अगला चाहुंदा तां साडे नाल जिहड़े नंबर चलदे उहदे ते संपर्क करके सर तो मंगवा सकदा आ। ते इह जिहड़ा कोरियर तुसीं कित्थे तक देश विदेशां तक भी पहुँचा सकदे जां सिर्फ देश दे विच जां पंजाब दे विच? सर पूरे वर्ल्ड दे विच पहुँचा देंगे, यूरोप कनेडा अमेरिका जिथे तक भी अगला कहे सानूं पहुँचा देंगे। कोई हुण तक कित्थे तक पहुँचा चुके? साडे कोल पिछले हफ्ते विच इक इटली गई, आस्ट्रेलिया गए, अमेरिका दा सानूं हुण ऑर्डर आया पिया आ 5-10 शीशियां दा, उहनां नूं असीं भेज देणे आ। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सन साढ़े नाल ब्लैस हाउस जिहड़े सेंटर के जिहड़े एक्सपर्ट जिहड़े इत्थे धुनी दे विच तेल पा के बहुत सारिया बीमारियों का इलाज करदे आ। अज इत्थे असीं पहुँच के प्रॉपर जानकारी लई आ कि किदां किस विधि दे नाल बनिया होया तेल है, किस तरह इस नूं वरत सकदे आ, और किस तरह जिहड़े राहत है मरीज है उन्हां तों राहत प्राप्त कर सकदे आ, ते किस तरह घर बैठे भी ये मंगा के इहनूं वरतों कर सकदे आ। ते बहुत सारियां जिहड़ियां बीमारियां आ जिहड़ियां सानूं अज पानी दे पोल्यूशन करके हवा पोल्यूशन करके घेरी बैठियां उन्हां तों राहत पा सकदे आ, और बिना किसी चीर फाड़ तों बिना दर्द तों। ते इस तरह इन्हां दे जिहड़े स्क्रीन दे उत्ते नंबर भी तुहानूं दित्ते गए आ, तुसीं फोन करके इन्हां तों जानकारी भी लै सकदे आ, ते जिहड़ा घर बैठे भी इह ऑयल मंगा सकदे आ, चाहो तां इन्हां दे सेंटर ते आ के भी तुसीं देख सकदे आ, जानकारी जिहड़ी आ ओह लै सकदे आ।